एंड में हमने आपको क्या बताया था बताइए, लास्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बताइए जी मैम। एंड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना? यस मैम। हाँ तो बताइए क्या था एंड जो हमने आपको बताया था, आपने बोला था आपको समझ में आ गया, तो क्या समझ में आया था एंड में, क्या यस मैम, बताया था? कंसोनेंट्स में लगता है और एन हाँ वो वॉवल में लगता है, दा कोई खास चीज या एक जगह पे मिल लगता है। वेरी गुड, ए लगता है कॉन्सोनेंट में ना, और एन लगता है वॉवेल में। वॉवेल कितने होते हैं? बताइए कितने वॉवेल होते हैं? फाइव, फोर फोर फाइव होते हैं बेटा। कौन फाइव कौन से होते हैं वॉवेल? ए बी हाँ ए, हाँ आगे ए के बाद, हाँ आई हाँ ओ यू ए आई ओ यू, कितने हो गए? फाइव ए से कोई शब्द बताइए, कोई वर्ड बताइए ए से। से हाँ जिसमें ए लगाए हम लोग, कोई एक वर्ड बताइए ए से। जग। दिस इज अ जग है ना, और बताइए ए दिस इज से। और दिस इज अ सन, एंड से बताइए। हाँ लगाते हैं। नहीं मैम, बताइए एन से। वॉवल के साथ लगता है ना, तो वॉवल कौन कौन से हैं बताइए, कोई वर्ड वॉवल का। सिर्फ एन अम्ब्रेला, ठीक। और बताओ और क्या होगा? एन से और कोई शब्द बताइए। एप्पल नहीं होता एन एप्पल? एंड एप्पल। यस मैम। एन प्रभात, इज ए हाँ एन अनियन। तो प्रभात ओनियन। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताइए। बताइए लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? लास्ट क्लास पेज नंबर पूछो। एन दा पढ़े थे ना, मैम भूल गए इतनी जल्दी? हाँ मुझे बोलिए। याद था। वेरी गुड फजवीर, आपको याद था। प्रभात बताइए ए अंडा पढ़ रहे थे ना? यस मैम। हाँ तो ए से कोई वर्ड बताइए प्रभात। किस वर्ड में ए लगेगा बताइए? आई एम आस्किंग टू यू प्रभात। बेटा आप तो बता चुके हो ना, यस मैम सॉरी। आपको पता है, आपने बता दिया है। मतलब जो हमने पढ़ाया था वो आपने दोबारा एक भी बार रिवाइज नहीं किया, उस समय भी पढ़ा और भूल गए। हाँ बिना खुद से रिवाइज किए कैसे कोई चीज याद रहेगी? लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा वो आज आप भूल गए।
क्या प्रभात बताइए, प्रभात बोलो क्या है। मतलब दोबारा एक भी बार आपने पढ़ा नहीं है? तो हाँ मैडम, किस मैडम ने बोला? तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का कौन सा है फजबीर? यस मैम, चैप्टर नंबर 13 है ना? ए एंड डा के बाद चैप्टर नंबर 13 है। 14 कैसे? ए एंड डा तो चैप्टर नंबर 12 था ना? यस मैम। क्लास वन है ना? ये क्या है? चैप्टर नंबर 13 क्या है? डिस्क्राइबिंग द वर्ड्स, ये है ना? डिस्क्राइबिंग द वर्ड आपके में यही है ना? चैप्टर नंबर 13? यस मैम, थोड़ा सा हमने पढ़ना छूट गया था ना, इसलिए वो देख नहीं पाया। इट्स ओके, इट्स ओके। स्टार्ट करते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अ डिस्क्राइबिंग वर्ड टेल्स अस मोर अबाउट अ नेमिंग वर्ड। हमने आपको बताया है नाउन के बारे में। नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड। तो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है वो हमें नेमिंग वर्ड के बारे में और ज्यादा जानकारी देता है। अ डिस्क्राइबिंग वर्ड इज आल्सो कॉल्ड एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसको कहते हैं बताइए, पता है? एडजेक्टिव हमने आपको बताया है जब किसी नेमिंग वर्ड की कोई स्पेशलिटी या उसकी कोई खासियत बताई जाती है तो उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। तो अ डिस्क्राइबिंग वर्ड टेल्स मोर अबाउट अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्या है? अब अगर हम नाउन की बात करें या नेमिंग वर्ड की बात करें तो हमने अगर लिख दिया फजबीर तो ये एक नाउन है ना, किसी इंसान का नाम है, ये फजबीर का नाम है, इसको नेमिंग वर्ड और नाउन कहा जाता है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड टेल्स अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड के बारे में हमें और ज्यादा बताते हैं। तो नेमिंग वर्ड है हमारा फजबीर, तो इस नेमिंग वर्ड के बारे में जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा वो कुछ और बताएगा। तो अगर हमने बोल दिया फजबीर इज A boy, naughty boy, ठीक। तो describing word यहाँ पे क्या हो जाएगा? Naughty, naughty यानी कि हमने फजबीर को describe किया, naming word को और ज्यादा जानकारी दी आपको कि वो कैसा है। तो यहाँ पे ये जो naughty है ये क्या हो जाएगा? Naming word हो जाएगा, sorry, describing word हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेमिंग वर्ड्स के बारे में जो वर्ड और ज्यादा जानकारी देते हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। आया समझ में? यस मैम। बताइए क्या समझ में आया है? बताइए, अभी आप लोग कह रहे समझ में आ गया? हम पढ़ रहे हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड के बारे में। डिस्क्राइब, हाँ मैम बताइए। डिस्क्राइबिंग वर्ड ना हम लोग के नेमिंग वर्ड को और ज्यादा वो क्या कहते हैं जानकारी देता है। वेरी गुड। आपने ना, नेमिंग वो तो मेरी थोड़ी जानकारी हो गई इसमें। और हाँ, आपकी नहीं, फजबीर नाम की। जरूरी नहीं है कि आप ही के बारे में बोल रहा है ना? यस मैम। आप भी नॉटी हो क्या फजबीर? यस मैम। नॉटी हो? कौन कहता है? टीचर्स कहती हैं कि मम्मी पापा कहते हैं? कौन कहता है नॉटी हो आप? आप खुद कह रहे हो? मम्मी, मेरे घर, मेरे पेरेंट्स में सब लोग कहते हैं। अच्छा, तो आपको पसंद है नॉटी रहना? अच्छा लगता है।
अच्छा क्या करते हो, ऐसी कौन सी शरारत करते हो कि आपको नॉटी बोला जाता है? किसी को परेशान तो नहीं करते ना? नो मैम, मैं किसी को परेशान थोड़ी करूंगी, थोड़े थोड़े हाँ ये अच्छी बात है, शरारते करूंगी। करना चाहिए लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रभात आप कैसे बच्चे हो, नॉटी हो कि शांत हो? आप नॉटी नहीं हो? नो मैम, किसने कहा ये बात बताइए, किसने सर्टिफाइड किया है आप लोगों को कि आप लोग फसबीर बता रहे हैं कि वो नॉटी है, आप बोल रहे हैं आप नहीं है? आपको कोई नहीं कहता? नॉटी का मतलब क्या होता है पता है ना फजबीर? यस मैम, शरारती बच्चा। वेरी गुड, तो यू आर कॉलिंग योर सेल्फ नॉटी है ना, आप खुद को शरारती बच्चा कह रहे हो। चलिए अच्छा, डिस्क्राइबिंग वर्ड फजबीर को एकदम समझ में आ गया है। प्रभात आप बताइए आपको कितना समझ में आया, डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है? बताइए। ना देखिए हमने आपको बताया है कि नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन के बारे में जो वर्ड्स ज्यादा जानकारी देते हैं वही डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, और डिस्क्राइबिंग वर्ड को ही क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। एडजेक्टिव आपने देखा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है, तो नेमिंग वर्ड के जानकारी देने वाले वर्ड्स को एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे हमने आपको बताया एक एग्जाम्पल, अब नीचे देखिए आपके बुक में लिखे हुए हैं, आई ड्रू अ सिल्वर स्पेसशिप। आई ड्रू अ सिल्वर स्पेसशिप मतलब सॉरी, मैंने एक सिल्वर स्पेसशिप ड्रॉ करी, यानी कि मैंने एक सिल्वर स्पेसशिप बनाई। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है बताइए, कौन बताएगा? हाँ सिल्वर। वेरी गुड, यहाँ पे सिल्वर जो है वो एडजेक्टिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि स्पेसशिप के बारे में और जानकारी हमको, अगर हम कहते, अगर ये कहता कि आई ड्रू अ स्पेसशिप, तो एक स्पेसशिप बनाई मतलब मैंने एक स्पेसशिप बनाई, उसका कोई और जानकारी नहीं हमारे पास, इसने बस एक स्पेसशिप बनाई। लेकिन अगर हमने एडजेक्टिव सिल्वर जोड़ दिया, हमने उसकी नेमिंग वर्ड की और खासियत बता दी कि वो सिल्वर कलर का है, तो ये उसका एडजेक्टिव हो गया, ये उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, है ना। नेक्स्ट क्या है, रवि कॉट अ बिग फिश, रवि ने एक बड़ी मछली पकड़ी, तो यहाँ पे क्या है नेमिंग वर्ड बताइए, सॉरी डिस्क्राइबिंग वर्ड। हाँ बिग बिग बिग, यहाँ पे बिग जो है वो आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्योंकि फिश के बारे में और जानकारी किससे मिल रही है हमें, बिग से मिल रही है ना। बिग यस मैम। इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड सिल्वर टेल्स अस अबाउट द कलर ऑफ द स्पेसशिप। सिल्वर इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड जैसा कि हमने आपको बताया। इन इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ड बिग टेल्स अस अबाउट द साइज ऑफ द फिश। बिग इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इन द थर्ड सेंटेंस द वर्ड फूल टेल्स अस द नंबर ऑफ बॉयज Who were playing on the swings? हाँ? आप वन वन स्टूडेंट से पूछिए एक एक करके। ठीक अभी तो पूछ रहे थे ना बेटा, पूछेंगे समझ में आ जाएगा सबको, तो पूछेंगे पूछिए, नाम लेके। अब। अच्छा ठीक है, जैसा आपको बेटा। नेक्स्ट में बताइएगा हम जो आपसे पूछ रहे हैं, फोर बॉयज वर प्लेइंग ऑन द स्विंग, इसमें क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा बताइए। फोर बॉयज फोर वर, फोर इसमें फोर होगा फोर क्योंकि बॉयज के बारे में हमें फोर बता रहा है कि जो लड़के हैं वो चार है। तो जो लास्ट सेंटेंस है थर्ड वाला, उसमें जो फोर है वो आपका
डिस्क्राइबिंग वर्ड है। अब बताइए, अब हम आपसे कुछ सेंटेंस पूछेंगे, आप उसमें बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल है। नहीं सॉरी, आपकी बुक, आप सबके पास बुक है ना? यस मैम। हाँ तो पेज नंबर 43 पर नीचे देखिए, आपको कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं ड्रैगन की और जोकर की, क्लाउन की, दिख रही है? यस मैम। हाँ मैं कुछ, तो इसमें पूछा है द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट बेस्ट सूट द ड्रैगन, पिंक कलर। हाँ दूध बेस्ट सूट द क्लॉन, ऑरेंज। अब बताइए ड्रैगन को कौन सा कलर, सॉरी कौन सा वर्ड जो है वो ज्यादा डिस्क्राइब करता है इसमें से, बताइए। एंग्री? नहीं नहीं ग्रीन कलर नहीं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेस हैप्पी, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ग्रीन, फनी, एंग्री, चेयरफुल, विंग, प्लेफुल, इसमें से क्या एंग्री? एंग्री और थ्री वर्ड्स है बताइए। फनी, फनी, फनी। नहीं 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 ड्रैगन बिल्कुल भी फनी नहीं होता। एंग्री, एंग्री हो गया। नेक्स्ट बिग, बिग ये तो पहले से है, दूसरा बताइए जो नहीं है। ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन हो गया जो ड्रैगन को डिस्क्राइब कर रहा है, ड्रैगन का एडजेक्टिव हो गया। और एक और लास्ट बताइए। फनी, बेटा ड्रैगन फनी नहीं हो सकता, फनी तो क्लाउन होगा ना। यस मैम। विंग, अभी आप ड्रैगन में पूछ रही हैं? हाँ विंग जो है, हाँ क्योंकि ड्रैगन के विंग्स है ना, सॉरी ड्रैगन के जो पंख है उनको ही तो विंग कहा जाता है ना, विंग। अब पिक्चर्स पे आपको देखिए, नेक्स्ट पेज पे 44 नंबर पे जाइए। जी मैम। आज में देखिए, लुक एट द पिक्चर्स, मैच द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स विद द नेमिंग वर्ड्स करेक्टली, वन हैज डन फॉर यू। तो अब ऑरेंज को किससे आप मिलाएंगे बताइए? जूस, जूसी, जूसी ऑरेंज है ना। और शाइनी, मेडल, मेडल। हैवी, बैग, बैग, बैग। प्रिटी, जिराफ। प्रिटी जिराफ नहीं होगा बेटा, प्रिटी मतलब होता है सुंदर, प्यारे। फ्लावर, फ्लावर्स, प्रिटी फ्लावर्स। राउंड, बॉल, राउंड बॉल, बॉल। टॉल, जिराफ, जिराफ। रेनी, डे, डे। तो समझ में आ गया आपको एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? यस मैम। हाँ एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नेमिंग वर्ड्स के बारे में और जानकारी देते हैं, या नेमिंग वर्ड की स्पेशलिटीज या गुणों को, खासियत को बताते हैं। ठीक, इसको इसको घर पे दोबारा से एक बार रिवाइज करिएगा, हम नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें आपसे ये पूछेंगे। हाँ बोलिए। मैं तो आपका आपकी रोजी बात सुन तो मैं रिवाइज करता रहता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो फजबीर। ऐसे ही प्रभात, आपको भी फजबीर की तरह मेरी बात माननी है और अपने चैप्टर्स को रिवाइज करना। ओके यस मैम। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्या पढ़ेंगे? दिस दिस
this that this those हाँ this that these those मुझे पता है very good चलिए bye bye बच्चों bye bye ma'am thank you thank you ma'am